अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। दिस इज़ मोहम्मद जावेद खान विथ ए लेटेस्ट वीडियो दैट इज़ पार्ट 6 ऑफ आवर नंबर सिस्टम अंडर द टॉपिक बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर मैथमेटिक्स। टुडे वी शैल सी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। आज का हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे कि LCM यानी कि ज़ाल अलिफ मीम और ऐन अलिफ मीम के दरमियान क्या रिश्ता होता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड लेट अस फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दोज टू गिवन नंबर्स। एंड डू रिमेंबर वन थिंग दैट दिस रिलेशनशिप इज यूजफुल ओनली व्हेन टू नंबर्स आर गिवन। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स लेते हैं और उसका LCM और HCF मालूम करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है। सो नाउ लेट अस टेक टू नंबर्स। आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल 60 एंड 45। सो लेट अस टेक द टू नंबर्स एज 60 एंड 45। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दिस टू नंबर्स दैट इज 60 एंड 45। एज यू ऑलरेडी नो दैट, जैसा कि आपको मालूम है, हमने प्रीवियस वीडियोस में LCM और HCF से रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंडर में लिंक दिया गया है, पहले उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख ले ताकि आपको LCM और HCF का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद हम ये रिलेशनशिप को इजीली डिराइव कर। कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM भी मालूम कर सकते हैं और HCF भी मालूम कर सकते हैं। सो ईजिली वन बाई वन प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि मुफरिद अज्जाए ज़रबी के तहलील के तरीके से हम इन दोनों का ज़ाल अलिफ मीम और ऐन अलिफ मीम मालूम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेता हूँ मुफरिद अज्जाए ज़रबी में तहलील का तरीका, उसके ज़रिए हम LCM और HCF मालूम करेंगे। सो नाउ लेट अस फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 60 एंड 45 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी हैव टू डू, we have to take the very first number that is 60 and then what we have to do, we have to prime factorize it। मतलब कि मुफर्रिद आदाद से प्राइम नंबर से इसको हमें फैक्टराइज करना होता है। प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन होते हैं, उनसे इनको कंटिन्यूस डिवाइड करना होता है। सो नाउ एज यू कैन सी इट 60 के यूनिट्स प्लेस में 0 है। सो फ्रॉम द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, तकसीम पजीरी के उसूल में हमने पढ़ा था कि अगर इकाई के मुकाम पर यूनिट्स प्लेस पे 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। सो नाउ इट इज डिविजिबल बाई 2, सो आई एम टेकिंग 2, 2, 3 are 6, 0 एज इट इज। द नेक्स्ट नाउ वी गॉट 30, सो अंडर द टेबल 3 वी कैन राइट इट एज 3, 10 are 30। द नेक्स्ट 10 कैन बी रिटन एज 2, 5 are 10। The next 5 can be written as 5, 1 are 5. So in this manner we have completed the prime factorization of 60. Now we can write 60 as 60 is equal to, as you can see it, we have written 2 into 3 into 2 into 5. So 2 into 3 into 2 into 5, इसको हम पावर्स में भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 को 2 टाइम्स यूज किया गया है, सो इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे। एंड 3 इज यूज्ड 1 टाइम, सो इट इज रिटन एज 3 पावर 1। एंड 5 इज यूज्ड 1 टाइम, सो इट इज रिटन एज 5 पावर 1। सो इस तरीके से हमने 60 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया है। नाउ लेट अस टेक द सेकेंड नंबर दैट इज 45, लेट अस प्राइम फैक्टराइज इट। सो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने देखा था कि अगर यूनिट्स प्लेस पे 5 है सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, इट इज 3। सो 3 का रूल क्या होता है, सो यू हैव टू ऐड द डिजिट्स को ऐड करना है। 4 + 5 = 9, 9 इज डिविजिबल बाई 3, 3 × 3 = 9, सो द नंबर 45 इज डिविजिबल बाई 3, 3 से काबिल तकसीम है ये। सो 3, 1 are 3, 4 है तो यहाँ पर 1 रिमेनिंग है तो वो 15 हो जाएगा। सो नाउ 3, 5 are 15, नाउ 15 इज देयर, 15 3 के टेबल में हम ले सकते हैं, 3, 5 are 15। नेक्स्ट 5, 1 are 5, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट अस राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, 45 इज इक्वल टू, इट इज रिटन एज 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5 इन पावर्स आर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वी कैन राइट इट एज 3 स्क्वेयर, 3 की खुवत 2 ज़रब
5 की कुवत 1, 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1. Now from here we have to derive the value of LCM and HCF. By looking at these things we can derive the value of LCM and HCF. I'll show you. First of all let us derive what is LCM of 60 and 45. As you know very well from the conceptual video जिसके अंदर हमने देखा था कि LCM किस तरीके से derive किया जाता है prime factorization से. So अगर आपने नहीं देखा है तो फिर भी और एक बार मैं बता देता हूँ. जब हम यहाँ पर numbers को पावर्स में लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर्स में लिखते हैं, हम पूरे नंबर्स को कंसिडर करेंगे जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं. तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स यूज़ हुए हैं वो है 2, 3 एंड 5. तो जो भी नंबर्स यूज़ हुए हैं उनका हम हाईएस्ट पावर लेंगे एलसीएम के अंडर में. तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 2 is 2 square, सो हाईएस्ट पावर इज 2 square. नेक्स्ट नंबर विच इज यूज इज 3, सो हियर इट इज 3 पावर 1, हियर इट इज 3 पावर 2. तो हमें लेना है हाईएस्ट, तो हम लेंगे 3 square. नेक्स्ट इज 5 इज यूज 5 पावर 1, तो हाईएस्ट होगा 5 पावर 1. सो नाउ 2 square that is 2 into 2 equals to 4, 3 square that equals to 9 and it is 5. So it is 4 9s are 36 and 36 5s are it is 180. So the LCM of 60 and 45 we have got as 180. Now let us find the HCF या आइन अलिफ मीम. यहीं पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम HCF डिराइव करेंगे. कैसे डिराइव करेंगे? हम लेंगे कॉमन नंबर्स जो के 60 और 45 में भी प्रेजेंट हो. सो 60 के फैक्टराइजेशन में और 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स कॉमन होंगे हम उनको HCF के अंडर में ले लेंगे. सो हियर इट इज 3 in 60 and 3 in 45, so I am taking 3 in HCF. And in the same manner 5 is in 60, 5 is in 45, so 1 5 I am taking here. So now I got HCF as 3 5s are 15. So this was the method of finding LCM and HCF by prime factorization method. We have taken two numbers 60 and 45 and we got the LCM as 180 and HCF as 15. After finding LCM and HCF of the given numbers that is 60 and 45, मैंने बोर्ड पे लिख लिया है A is equals to, जो कि फर्स्ट नंबर है, I have written as A is equals to 60. Second number is written as B is equals to 45. Second number B is equals to 45. The derived LCM and HCF of those two numbers are written as LCM is equals to 180 and HCF is equals to 15. अब हम यहाँ पर टू पार्ट्स करते हैं. Now the given numbers A and B, I'll multiply these two numbers. मैं इन दोनों आदाद को ज़रब देता हूँ. So A is equals to 60 है, B is equals to 45 है. So now A into B will be equal to 2700. So the answer for the product of two given numbers is equal to 2700. Now let us on the other side LCM and HCF are there, जो कि 180 और 15 है. तो मैं यहाँ पर LCM और HCF को मल्टीप्लाई करता हूँ. सो LCM एंड HCF विल बी इक्वल टू 180 इंटू 15. सो LCM इंटू HCF विल बी इक्वल टू 2700. सो the product of LCM and HCF is also 2700. Here we got the product of two numbers as 2700. So from this statement we can tell that A, the value of A into B is equal to the value of LCM into HCF. By this calculation we can tell that the product of two numbers will be equal to the product of their LCM and HCF. किसी भी दो अदद का हासिल ज़रब मसावी होगा उनके ज़ाल अलिफ मीम और ऐन अलिफ मीम के हासिल ज़रब के. तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF, विच स्टेट दैट इफ़ वी टेक एनी टू नंबर्स. याद रखिए कि ये स्टेटमेंट अप्लीकेबल है ओनली फॉर two numbers. The relationship between the LCM and HCF is that the product of
two numbers will be equal to the product of their LCM and HCF.